हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रिक टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन यूजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से किसी भी रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए एक ट्रिक सीखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो मान लीजिए कि कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करता है बी मोल्स ऑफ बी के साथ और ये फॉर्मेशन करता है सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मॉल्स ऑफ डी का यानी कि ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी प्रोडक्ट है तो इस रिएक्शन का रिएक्शन कोसेंट है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशियंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशियंट इसे हम कहते हैं रिएक्शन कोसेंट क्यू सी लेकिन के सी का भी फॉर्मूला यही होता है मतलब कि ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट रेस्ट टू द पावर देअर मॉल कोफिशियंट तो क्यूसी कब निकालते हैं और केसी कब निकालते हैं के सी होता है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ये तब निकलता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाए यानी कि एट इक्विलिब्रियम और क्यू सी तब निकालते हैं जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं हो नॉट एट इक्विलिब्रियम तो किसी भी रिएक्शन के क्यू सी और के सी का यूज करके रिएक्शन के डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं तो यहाँ पर थ्री केसेज हो सकते हैं फर्स्ट केस है व्हेन के सी इज ग्रेटर देन क्यू सी सेकेंड केसी के सी इज स्मॉलर देन क्यू सी और थर्ड है व्हेन के सी इज़ इक्वल टू क्यू सी के क्यू से पहले आता है इसलिए मैंने के सी को पहले लिखा है तो रिएक्शन के डायरेक्शन को पता करने के लिए आपको करना क्या है कि एक लाइन ड्रॉ करना है जिससे कि ये एक एरो बन जाए अब ये एरो लेफ्ट से राइट right की ओर जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट मीन्स द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन इसी तरह से यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये एरो राइट right से लेफ्ट की ओर जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट मीन्स द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन अब थर्ड केस में इक्वल का साइन है तो कोई भी डायरेक्शन नहीं बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि नो नेट रिएक्शन अकर्स इट मीन्स रिएक्शन मिक्सचर इज एट इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से हम रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें